की धरती पर गुरु शिष्य का संबंध सबसे पवित्र माना गया है। भारत के छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम कौन नहीं जानता। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। आखिर कौन थे शिवाजी महाराज के गुरु जिन्होंने शिवाजी महाराज को साहस और धैर्य रखना सिखाया? क्यों छत्रपति समर्थ रामदास जी को अपना गुरु मानते थे? संत महात्माओं की भूमि है महाराष्ट्र। इन्हीं संतों में से एक संत है रामदास स्वामी जी। इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। समर्थ रामदास गुरुजी का पूरा नाम नारायण सूर्य जीपंत कुलकर्णी था। श्री राम के जन्मदिन श्री राम नवमी के दिन इनका जन्म होने पर इनका नाम रामदास रखा गया। समर्थ गुरु रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। महाराष्ट्र में उन्हें हनुमान जी का अवतार मानकर पूजा भी जाता है। बताया जाता है समर्थ रामदास गुरुजी अपने शिष्यों में सबसे ज्यादा प्रेम छत्रपति शिवाजी महाराज से ही करते थे। छत्रपति शिवाजी ने अपने पराक्रम से अनेक लड़ाइयां जीती थी। इस कारण से उनके मन में थोड़ा अभिमान जाग उठा था। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था उनके जैसा वीर इस धरती पर है ही नहीं। कई बार उनका यह अभिमान औरों के सामने भी दिखाई देता था। एक दिन शिवाजी के महल में उनके गुरु समर्थ रामदास पधारे। शिवाजी महाराज अपने गुरु रामदास का बहुत आदर करते थे, लेकिन उनके सामने भी उनका अभिमान झलकने लगा। उन्होंने अपने रामदास गुरु से कहा, गुरु जी, अब मैं लाखों लोगों का रक्षक और पालक हूँ। मुझे उनके सुख दुख और भोजन वस्त्र आदि की काफी चिंता करनी पड़ती है। गुरु रामदास समझ गए उनके शिष्य के मन में राजा होने का अभिमान आ गया है। इस अभिमान को तोड़ने के लिए उनके मन में एक विचार आया। सूर्यास्त के समय शिवाजी के साथ भ्रमण करते हुए रामदास गुरु ने अचानक उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखाते हुए कहा, शिवा, जरा इस पत्थर को तोड़कर तो दिखाओ। शिवाजी ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वो पत्थर तोड़ दिया। पत्थर तोड़ते ही उन्होंने देखा कि पत्थर के बीच से एक जीवित मेंढक एक पतंगे को मुंह में दबाए बैठा है। इस दृश्य को देखकर शिवाजी महाराज चौंक गए। समर्थ रामदास गुरु ने पूछा, पत्थर के बीच बैठे इस मेंढक को हवा पानी कौन दे रहा है? इसका पालन कौन कर रहा है? कहीं इसके पालन की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर तो नहीं आ पड़ी? शिवाजी महाराज गुरु की बात का मर्म समझ गए और लज्जित हो गए। गुरु ने उन्हें समझाया, पालक तो सबका एक ही है और वो है ईश्वर। हम तुम तो केवल माध्यम हैं, इसलिए उस पर विश्वास रखकर कार्य करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। साहस और धैर्य का पाठ पढ़ाकर उन्होंने महान शिवाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज बनने की प्रेरणा दी।